ओ भाई साहब देख रहे टेंट पूरा टूट, बाहर गए थे थोड़ी देर के लिए, पूरा टेंट ही भाई दब गए है। तो अभी मुझे 7 घंटे लगभग हो चुके हैं और अपना 14 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है, लेकिन जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था पूरी फॉग है इस एरिया में और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं 2700 मीटर की हाइट पे हूँ और सामने कुछ भी विजिबल नहीं है, पूरा फॉग और बारिश। यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद होगा कैंपिंग होगी। तो यह सामने अभी अगर ये मौसम खुला होता तो सामने जहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था अपना गांव वाला एरिया पूरा दिखता, बट अभी विजिबल नहीं है। 15 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और पिछले 2 घंटों से बारिश कंटिन्यू जा रही है। हल्की हल्की बारिश में ट्रैक करने का मज़ा ही अलग है, इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। साथ में 3 लोग हो रहे हैं जो पीछे आ रहे हैं और यहाँ पे चारों तरफ अभी बुरांस के फूल खिले हुए हैं पूरे एरिया में। जहाँ भी नज़र जाती है पूरे एरिया में बुरांस के फूल हैं। वाह। और अपना ट्रैक एकदम स्टीप है, यहाँ से जाना है ऐसे सीधे इस पहाड़ के टॉप में। बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, अब रास्ता भी एकदम स्टीप वाला है अभी यहाँ से और जंगल बहुत घना। 1 किलोमीटर बाद लगभग हमारा आज का स्टॉप आएगा जहाँ पे कैंपिंग करनी है हमें और वहाँ तक स्नो होगी ऐसा लग रहा है। ऐसे हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में फॉग आता है तो इसके बाद रास्ता भटकने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो मुझे जो साथ में है उनका वेट करना पड़ रहा बार बार, जब वो साथ में आ रहे हैं तब जाके मैं आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ से हो गए बर्फ़ के भी दर्शन और लाइव स्नोफॉल भी हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं। तो फाइनली अपनी कैंप साइट बस 100 मीटर आ गई है। तो ग्राउंड सीट मैंने बिछा ली है, अब टेंट बिछ करते हैं एक बार। टेंट भी चल चुका है अपना, और स्नोफॉल अभी भी हो रही है। और बहुत से लोगों को कंफ्यूज था कि भाई इसमें केवल टेंट आता है और नीचे ग्राउंड चाहिए, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक और लेयर आती है जिसको अटैच करना पड़ता है। मैं विंटर कैंपिंग के दौरान, स्नो कैंपिंग के दौरान यही यूज़ करता हूँ। अगर साथ में
कोई ना हो तो ऐसे सिंपल से ऐसे अटैच हो जाता है इसमें। और मेन जो ये रहा इसके अंदर स्पेस, अपने लिए सबसे बैड न्यूज़ क्या है बताए, अपना जो जैकेट है ना ये पूरा भीग चुका है, तो यहाँ पे लाइफ लाइन है इस ठंड में बर्फ स्नोफॉल में। और अपने जूते भी गीले हो चुके हैं भाई, आज सब कुछ गीला, जैकेट, स्लीपिंग बैग, कपड़े, कैमरा तक भीग चुका था अंदर तक। चाय रेडी है अपनी और साथ में बिस्किट। एकदम कड़क चाय। मेरा फेवरेट मोमेंट है ये, सामने स्नोफॉल, हल्की बूंदाबांदी भी, साथ में चाय और बिस्किट। हवा से बर्फ अंदर तक आ रही है अब, और ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी ज़्यादा हो रही है। यहाँ से जो यहाँ ऊपर टॉप है लगभग 3500 मीटर की हाइट पे है, वहाँ पर प्रॉपर स्नोफॉल हो रहा है एकदम ख़तरनाक लेवल की। ज़्यादा हमने टेंट लगभग पाँच से दस मीटर की डिस्टेंस पे लगा रखा है। रीज़न ये है कि क्योंकि हमें तीनों को सूट करना है, जो अपने तीन टेंट लगे हुए हैं सबको सूट करना है, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है लगभग पाँच से छः सात मीटर के से ज़्यादा लगभग डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो पाए शूटिंग के दौरान। रीज़न यही है। चाय फिनिश हो चुकी है, अब थोड़ी देर टेंट बंद करके आराम करता हूँ, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है तो ठंड लग रही है खतरनाक। अभी जैकेट पहन के देखते हैं, भाई पहनने का मन नहीं कर रहा है, ठंड लगनी है आज, लेकिन पहनना तो पड़ेगा, पूरा गीला है। सिट सिट सिट।
तो टाइम अभी 9:46 हुए हैं, जस्ट अभी नींद खुली है ज़्यादा यार। एक चीज़ अच्छी हो गई कि अपना जैकेट सूख चुका है थोड़ा बहुत क्या, ऑलमोस्ट 90% सूख चुका है। और टाइम देखा तो 9:30 हो गया, नींद 2-3 घंटे नींद आ गई पूरी। और बाहर पे स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की, अब लग रही है भूख। तो अभी जो भाई लोग हैं वो भी सारे सो गए थे, तो अभी सभी उठ चुके हैं, तो अभी बना रहे हैं डिनर। मैं भी अब डिनर बनाऊंगा, फिर सो जाएंगे आराम से। जब तक स्नो मेल्ट करके पानी ना बनाए तब तक स्नो कैंपिंग कैसी, इसके बिना स्नो कैंपिंग अधूरी है, क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है जिस एरिया में हम कैंपिंग कर रहे हैं। मसाले डाल लेते हैं एक बार, नमक हल्दी मिर्च सारा। टमाटर डालने भूल गया मैं, चलो कोई नहीं अभी ऐड कर लेते हैं इसको। काइंड ऑफ खिचड़ी टाइप बनेगी, पनीर चाहिए। अब डालते हैं पानी और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि अभी तक चावल पके भी नहीं है, घंटे से लगभग आधे घंटे से पक रहा है, इसमें पानी कम पड़ा। 3 बार तो मैं इसमें स्नो डाल चुका हूँ जिसकी वजह से पक नहीं रहा है, क्योंकि पहले भी भिगाए नहीं थे चावल ना, तो यार अभी बड़ी दिक्कत हो रही है, अभी तक नहीं पक, जैसे कि तैसे हैं चावल, फिर अच्छे से पकाना पड़ेगा वरना फिर रात को प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना टाइम कुकिंग में कभी नहीं लगा, और बाहर पे कंटिन्यू है अभी बारिश के साथ स्नोफॉल हल्की हल्की। और टाइम हो रहा है 11:06, आप खाते भी जल्दी जल्दी। मुझे तो लग रहा है कि अच्छे से अभी भी नहीं पका है। थोड़ा अभी भी पकना रह गया, ये बट ओवरऑल सही है। ज़्यादा सारे सो गए, बस मैं ही लास्ट हूँ। तो डिनर हो चुका है अपना, और बाहर का मौसम देखिए एकदम फॉग, चारों तरफ फॉग फॉग वाला मौसम हो रखा है। और यहाँ पीछे स्नो काफ़ी है, टेंट में सारा पानी, और सामने कुछ भी विजिबल नहीं है।
सामने टेंट दिख रहे होंगे आपको। तो यार अब सोते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज ताकि हवा अंदर ना आए, और इसके दोनों लेयर इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया क्लोज, और अंदर वाली लेयर भी आप लगा लेते हैं। पावर बैंक सारे यहाँ पे साइड में रख देता हूँ ताकि ड्रेन ना हो जाए रात को ही। तो यार टाइम 12:30 हो चुका है, अब सो जाते हैं। तो अभी सोता हूँ, मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे। सो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के 7 बज रहे हैं और बाहर दिखाता हूँ मैं भाई, स्नोफॉल तगड़ी हो गई, अब देख सकते हैं स्नोफॉल जा रही है। रात से स्टार्ट 3-4 बजे से हो रही है, और बाहर का व्यू देख सकते हैं भाई साहब, और लग रहा है बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने वाली है आज, ठंड बढ़ेगी अब। भाई पूरी लेक वाइट हो चुकी है, और टेंट भी। सिचुएशन ये है कि बहुत तेज़ी से बर्फ जमा होनी स्टार्ट हो गई, पानी कम पड़ गया। पास में सुनो है, बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, फ्रेश सुनो है एकदम, जस्ट अभी गिरी है। पर गैस बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, एक हाफ था मेरा कैन वो ख़त्म हो गया कल खिचड़ी बनाने में, तो यार ज़्यादा एक और है, देखते हैं कितना चलेगा। चेयर रेडी है, गर्मा गर्म चाय। लाइव स्नोफॉल हो रहा है और चाय चल रही है अपनी। भाई वाह, चाय का
फील आ गया। भाई साहब कैसा लग रहा है दूसरी बार स्नो कैंपिंग करके? बहुत बढ़िया दिस भाई, बहुत बढ़िया। ब्लिच कैंपर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। ब्लिच कैंपर भाई, मैंने भाई का टेंट लगा, वो सामने दिख रहा होगा आपको। हां, रात में नींद आई? बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन सुबह के टाइम में थोड़ा सा ठंड हो ही रहा था। अभी आज का क्या प्लान है? आज का प्लान देखते हैं, अगर स्नोफॉल थोड़ा भी रुकता है तो यहां से पैकअप करके निकलेंगे नेक्स्ट लोकेशन की ओर, ऊपर की ओर। बाकी अब देखते हैं, अभी तो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं। ब्रेकफास्ट में ब्रेड से काम चलाना पड़ेगा। और मेरे जूतों की हालत ऐसी हो गई भाई, ये अंदर नहीं ले सकता मैं, बाहर ही करने पड़ रहे हैं। जूतों को पूरे गीले हैं। टेंट की हालत कुछ ऐसी है, इसको हटाना पड़ेगा। थोड़ा स्नो हटा ली जाए यहाँ से। वैसे तो अगर हम यहाँ पर रहते तो ये सही था, ये हवा को रोक लेता, जो नीचे स्पेस है टेंट के और सरफेस के बीच में। तो हमें यहाँ से आज शायद आगे बढ़ेंगे हम, तो थोड़ा स्नो हटा ही लेते हैं। टेंट के अंदर तक घुस गया। ओ भाई साहब देख रहे, टेंट पूरा टूट चुका है ऑलमोस्ट। यार ये बाहर गए थे थोड़ी देर के लिए, पूरा टेंट ही भाई दब गया है।
सिट सर पे लग रहा है पोल ब्रेक हो गए इसके भाई। नहीं एक तो सही लग रहा है लेकिन एक लग रहा है कि ब्रेक हो गया राइट। फिर भाई यहाँ पे बहुत खतरनाक लेवल की इसका भी देख सकते हैं पूल पूरा बेंड हो गया। बट अपना टेंट दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अपने टेंट को कुछ नहीं होना भाई, देख रहे हो कैसे टिका हुआ है इतने हैवी स्नोफॉल में भी। ये बात बाहर फ्रेश होने के आ गए भाई। टेंट पूरा भाई लोगों का टेंट तो एकदम एक का तो पोल भी ब्रेक हो गया। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है और बर्फबारी लगातार जारी है सुबह 3-4 बजे से। तो यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि स्नो कैंपिंग वीडियो इस चैनल पे पहले भी कर चुका हूँ मैं और आने वाले 2-4 वीडियो आपको स्नो कैंपिंग वाले मिलने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ इस स्नो कैंपिंग ट्रिप के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।